यो व्हाट्स अप गाइस, तो आज हम खेलने वाले हैं आइसक्रीम टू हॉरर गेम। तो गेम करते हैं सीधा स्टार्ट। और ये भाई हमारा फ्रेंड है चार्ली, और हम ये भाई फ्रेंड है भाई ली, जो आइसक्रीम अंकल से आइसक्रीम लेने आई है। तो भाई आइसक्रीम अंकल वो भाई हमसे बात कर रही है, तो भाई आइसक्रीम अंकल ने पीछे सोते भाई पकड़ के बर्फ ही जमा दी। तो अब हमारा मिशन है, मैं भाई जो ली है उसको बचाना है आइसक्रीम अंकल से। तो इस विंडो से चलते हैं नीचे, जो कि यहाँ पे ब्लैंकेट रखी थी उसको मैंने उठा के यहाँ विंडो पे लगा दिया, जिससे भाई लोग नीचे आ चुके हैं। सामने मुझे एक मैप पड़ा हुआ दिख रहा है, तो मैप को उठाते हैं और देखते भाई। नहीं, आइसक्रीम अंकल भाई मेरे सामने ही आ गए। नहीं और क्या, अभी गंदा सीन होने वाला था। अभी ना थोड़ा हम आइसक्रीम अंकल से थोड़ा दूर है, तो हमें थोड़ा रिलैक्स है। बट एक टाइम तो ऐसा था बिल्कुल भाई आइसक्रीम अंकल हमें पकड़ने ही वाले थे। अभी ना साइज से आइसक्रीम अंकल मैं भूल चुके हैं, तो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो भाई सबसे पहले चल रहे हम लोग सिनेमा में, देखते हैं वहाँ पे हमें क्या आइटम्स मिलते हैं। नहीं यार, आइटम तो कुछ नहीं मिला, बट आइसक्रीम अंकल दोबारा से हमारे पीछे पड़ चुके हैं। और भाई यहाँ जो कार्स हैं भाई जो थी उनको करते हैं चेक। भाई यहाँ पे तो कुछ है नहीं, एक टेडी बियर पड़ा हुआ था बट उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये येल्लो वाली कार को ट्रंक को करते हैं चेक। बट आइसक्रीम अंकल इधर आ रहे हैं, देखते हैं तो ये टूल बॉक्स में क्या। तो भाई यहाँ पे हमें एल रेंज पड़ा हुआ दिख रहा है, बट आइसक्रीम अंकल हमारे काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, तो अभी तो हम यहाँ से निकलते हैं। अभी दोबारा घूम के आते हैं, थोड़ा आइसक्रीम अंकल को ध्यान भटकाते हैं उनका। यहाँ भी कुछ ये भी गाड़ियाँ हैं, इनके भी ट्रंक्स करते हैं चेक। तो यहाँ पर भाई हमें ये परफ्यूम की बोतल मिली है, जो कि हमारे काम की है, तो इसको हम जल्दी से अपनी वैन में रखते हैं और दोबारा से भाई चलते हैं येल्लो कार के पास। यहाँ भाई हमें वो एल एन रिंच मिला था, उसको भी भाई हम उठा के अपनी गाड़ी में रखते हैं। तो ये भाई बॉक्स में पड़ा हुआ है रिंच, इसको भी लेके चलते हैं अपनी वैन के पास। बट थोड़ा आइसक्रीम अंकल से हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब की बार उन्हें देखा तो काफ़ी गंदा सीन कर देंगे हमारे साथ। आइसक्रीम अंकल साइज से हमें नहीं देखो। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट बाहर और चलते हैं सीधे सिनेमा की तरफ। वैन में लोग बैठे हुए, निकल चुके हम लोग सिनेमा की तरफ। और यहाँ भाई बस थोड़ा हमें आइसक्रीम अंकल से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं यार, बार बार आइसक्रीम अंकल हमें सरप्राइज दे रहे हैं, जो कि काफ़ी गंदा होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि बिल्कुल हमारे क्लोज निकल के जा रहे हैं और हम थोड़ा ही बच रहे हैं उनसे। अभी ना यहाँ पे विन पड़ा हुआ है, इसको करते हैं चेक, साइज से कुछ ऐसा काम का मिल जाए जो हमारे काम का हो। तो यहाँ से भाई हमें स्पेशल पास मिला है, जो कि हमारे काफ़ी काम का है, क्योंकि यहाँ से ये जो रूम है यहाँ पे एग्जिट हम कर सकते हैं उस कार्ड की मदद से। अभी ना हम लोग दूसरी साइड आ चुके हैं, क्योंकि आइसक्रीम अंकल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। थोड़ा कोशिश करते हैं उनसे पीछा छुड़ाने की, उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल कार्ड पड़ा हुआ है, स्पेशल पास, तो इससे भाई हम लोग अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। और मैंने मैं यहाँ से जो डोर है उसको ओपन करना था अभी, और ये जो परफ्यूम की बोतल है इसको वहीं लेके चलते हैं और एक्सचेंज करते हैं माइक से। नहीं, आइसक्रीम अंकल में दोबारा से देख लिया है, बट यार काफ़ी गलत सीन हो रहा है हमारे साथ। बार बार आइसक्रीम अंकल भाई हमें देख ले रहे हैं, जो कि काफ़ी गंदा सीन कर सकते हैं हमारे साथ। अभी ना जो एलर्जी चलाए थे उसको कर दिया मैंने यहाँ पर ड्रॉप। और भाई जो आइसक्रीम अंकल है वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, क्योंकि बार बार हमारा पीछा करने लगते हैं। यहाँ से हम आ चुके हैं इस रूम में, तो जल्दी से करते हैं रूम का डोर ओपन, क्योंकि आइसक्रीम अंकल पर पीछे हैं, तो थोड़ा जल्दी से यहाँ से कर। यहाँ अलमीरा में साइज से एक हैंगर, जी यहाँ से हमें हैंगर मिल चुका है। अभी ना इस हैंगर को लेके निकलते हैं यहाँ से फटाफट बाहर, क्योंकि नहीं, आइसक्रीम अंकल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा यार, काफ़ी गंदा सीन करना है। अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा इस हैंगर की मदद से। और ये भाई यहाँ पे केबल है, तो हैंगर से हम लोग यहाँ से टंग के ये भाई हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। तो अभी ना थोड़ा हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम अंकल से अब हम थोड़ी देर पीछा छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक गेट है भाई, हम लोग नीचे यहाँ पे आ गए हैं माइन में। यहाँ पे एक गेट है, तो गेट से चलते हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पे भाई एक ये, तो भाई हमें एक गैस का स्मॉल सिलेंडर मिला है, तो इसको भी हमें ले जाना है अपनी वैन में रखना है।
और इसके लिए हम जो रेंच लाए हैं ये यहाँ पे भाई लगा हुआ है, तो इसको रेंच की मदद से हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले इसे टोर्क करते हैं ओपन, और जो रेंच हमने किया था यहाँ पे ड्रॉप, इसको उठाते हैं। तो रेंच उठा के दोबारा से चलते हैं नीचे की तरफ, और जो भाई सिलेंडर हमें मिला है उसको वहाँ से निकाल के और अपने साथ वैन में रखते हैं इसको लेके चल के। तो इसमें स्क्रू लगे हुए हैं तो इनको हटाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आइसक्रीम अंकल का कोई भरोसा नहीं है, भाई किधर भी आ सकते हैं। तो ये हमने गैस सिलेंडर है वो ले लिया है, चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ और इस गैस सिलेंडर को अपने वैन में चल के रखते हैं। तो अभी शायद से आइसक्रीम अंकल जो है वो अभी तो इधर है नहीं, तो हम जल्दी से चलते हैं वैन की तरफ, और जो सिलेंडर हम लोग लाए या गैस का वो यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉप। तो अभी ना जो हमने परफ्यूम की बोतल यहाँ पे ड्रॉप करी थी इसको भी उठा के भाई माइक से एक्सचेंज करते हैं, देखते हैं हमें क्या देता है, कुछ काम की चीज़ मिलती है इससे या नहीं। What's up, तो Jay? हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हारे काम आ सकती है, बट मुझे उसकी बदले कुछ चाहिए। मैं भाई उसे ये परफ्यूम की बोतल दे देता हूँ उससे भाई। तो उसने मुझे ये डोर नॉब दी है। ये भाई चार्ली यहाँ पे गन लेके खड़ा है और बोल रहा है आई एम द किंग ऑफ दिस गेम, बट अब हमें इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भाई नॉब डोर नॉब जो भाई माइक ने दी थी उसको भी हमने कर दिया है अपने वैन में ड्रॉप। अभी ना हमें एक चीज़ और चाहिए यहाँ से। नहीं नहीं यार, ये आइसक्रीम अंकल तो भाई यहीं पर है शायद से गेट के पीछे फंसे हुए, तो हमने गेट कर दिया है बंद, और आइसक्रीम अंकल भाई निकल के सीधा हमारे पीछे पड़ चुके हैं। अभी ना थोड़ा इनसे पीछा छुड़ाते हैं दोबारा से। तो आइसक्रीम अंकल भाई चले जा चुके हैं यहाँ से दूर, और यहाँ पे काफ़ी ड्रॉर्स हैं, तो इन ड्रॉर को चेक करके देखते हैं, यहाँ से हमें कुछ काम का मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें कैट फूड भी मिल गया जो कि हमारे काम की चीज़ है, तो इसको भी अपनी चलते हैं वैन में करते हैं ड्रॉप और यहाँ से निकलते हैं। साइज से हमारे यहाँ पे तो पूरा काम हुआ है। नहीं यार, आइसक्रीम अंकल भाई काफ़ी गंदा सीन करते हैं हमारे साथ बार बार, और उन्होंने हमें देख लिया है। और जब तक भाई यहाँ पे ये डेंजर साउंड बजता रहेगा तब तक अपनी हम वैन में भी नहीं बैठ सकते, और वैन स्टार्ट भी नहीं होगी, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी वैन के अंदर, सब ये साउंड बंद हो, बस हम यहाँ से निकले फटाफट। और भाई तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं सिमेट्री की तरफ। अभी ना सिमेट्री में हमें मेनली सामने भाई ये कैट बैठे हुए है ट्री के ऊपर, तो अभी ना इसे हमें ये कैट फूड खिलाना है, उसके बाद ये भाई हमारी पैट बन जाएगी, तो फिर हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो भाई कैट को हमने अपना पैट बना लिया। अभी हम चलते हैं सीधे सिनेमा की तरफ, और इस कैट को भाई एक्सचेंज करेंगे हम जो अलार्म कैट है उससे। तो यहाँ पे शायद से साउंड आ रहा था, तो सामने भाई ये अलार्म कैट रखी हुई है, एनालॉग अलार्म। फर्स्ट ना पहले तो हमें आइसक्रीम अंकल से पीछा छुड़ाना है, और फिर यहाँ से निकल के सीधा सिमेट्री की तरफ चलना है। तो आइसक्रीम अंकल दोबारा से हमारे पीछे, नहीं 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 शायद से हमें नहीं देखा है अभी आइसक्रीम अंकल ने, तो आइसक्रीम अंकल को यहाँ से निकलने देते हैं, फिर उसके बाद अपने वैन में बैठ के निकलते हैं यहाँ से। भाई जल्दी से सिमेट्री की तरफ निकलते हैं दोबारा से। अभी मुझे याद आया हमने स्टॉल से भाई जो कैंडल्स हैं वो भी अभी नहीं लिए हैं, तो फर्स्ट तो हम लोग फिर यहाँ स्टॉल पे आ चुके हैं। अभी ना यहाँ भी भाई आइसक्रीम अंकल को पहले ही मिल चुके हैं, और हमें जाना है इस रूम के अंदर, और यहाँ पे एक साइज से यहाँ से एक टूल बॉक्स है, इस पर भाई हमें प्लायर भी मिल चुका है। अब इस प्लायर की मदद से हमें, बट आइसक्रीम अंकल वहाँ पर यार सो रहे हैं, तो अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी रिस्की काम है, और थोड़ा साउंड भी हो गया है, तो मुझे नहीं लगता हम लोग, तो मैंने दोबारा से साउंड किया और आइसक्रीम अंकल नहीं जगे हैं। अभी ना इनको पहले जगाते हैं और यहाँ से करते हैं दूर, काफ़ी रिस्की काम हो जाएगा वरना। तो भाई इनको हमने ये प्लायर था ये फेंक के मारा, और आइसक्रीम अंकल जग चुके हैं। जब तक भाई आइसक्रीम अंकल इस साइड आएंगे तब तक हम दोबारा से वहाँ पहुँच के, और यहाँ पर जो गेट है वहाँ से यहाँ पे एक वायर है, तो वायर को हमने कट कर दिया और गेट को, तो
यहाँ पे भाई कैंडल्स भी हमें मिल चुके हैं, अभी ना जल्दी से बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से सीधा सेमेट्री की तरफ। तो फाइनली हमें सारा आइटम मिल चुका है तो और हम सेमेट्री में अभी पहुँच चुके हैं। तो इन कैंडल्स को हमें रखना है यहाँ भाई सामने, एक स्टैचू है तो इसी स्टैचू के सामने भाई हमें रखना है अपना, जो आइसक्रीम अंकल है वो उन कैंडल को जगाएंगे। तो यहाँ से हमें मैच बॉक्स भी मिल सकता है। अभी ना जो गैस सिलेंडर है इसको भाई हमें रखना है अंदर चल के, सामने भाई डोर है इसके अंदर, और यहाँ पे एक पिलर है तो इसी पे इसको रख देते हैं कॉलम पे हम लोग। और नहीं आइसक्रीम अंकल ने दोबारा से हमें देख लिया है तो जल्दी से जो अलार्म कैट जो हम लोग लाए थे उसको भी उठा लेते हैं। और आइसक्रीम अंकल को तो देखते हैं किधर साइड से आ रहे हैं, तो आइसक्रीम सामने से आ रहे हैं तो निकलते हैं दूसरी साइड से और इस जो अलार्म कैट है इसको भी लगाते हैं चल के अपने, जो सिलेंडर हमने यहाँ पर प्लेस किया है। तो ये दो चीज़ें हमने लगा दी, अब थोड़ा वेट करते हैं आइसक्रीम अंकल का जो कि भाई वो कैंडल्स को जलाएं और हमें वहाँ से मैच बॉक्स मिल सके। तो भाई जो आइसक्रीम अंकल है वो कैंडल्स को जला रहे हैं तो थोड़ा वेट करते हैं। और भाई आइसक्रीम अंकल हमें देख लिया तो हमें पीछे हटना पड़ेगा यहाँ से। और नहीं ये डोर भाई बंद है, जल्दी जल्दी खुल जा। अरे भाई हार्ट अटैक आने वाला था भाई, गेट भाई पीछे से बंद था और मैंने देखा ही नहीं। अभी ना आइसक्रीम अंकल साइड से वापस लौट जाएगा तो भाई आइसक्रीम अंकल को इस साइड बुलाते हैं और हम लोग निकलते हैं दूसरी साइड। यहाँ से भाई ये जो दीवार है वो ब्रेक है, हम लोग दूसरी साइड निकल के आ चुके हैं आराम से। और सामने भाई मैच बॉक्स पड़ा हुआ है तो उसको भी उठाते हैं, और जो सिलेंडर हमने और अलार्म क्लॉक यहाँ पर लगाई थी उसमें करते हैं इसको प्लेस। तो मैंने यहाँ पर ये एक्टिव कर दिया है, अभी ना थोड़ी देर में ये फट जाएगा। वही आइसक्रीम अंकल सामने आए साइड से, ये भी मर जाए इसके साथ। पर यार नहीं यार, इतना धमाका होने के बाद भी आइसक्रीम अंकल उससे ज़िंदा बच के निकल आए। अभी ना हमें थोड़ा आइसक्रीम अंकल दोबारा से प्रैक्टिचर कर चुके हैं और हमें अब जो माइक ने हमें डोर नोब दी थी उसका भाई अब काम आ चुका है। तो वो हमने यहाँ पे करी थी ड्रॉप, इसको उठाते हैं और चलते हैं भाई सीधा इस स्टोर से अंदर, जो कि भाई हमने दीवार को किया है यहाँ पर ब्रेक। भाई हम दूसरी साइड निकल क्यों नहीं पा रहे, तो फाइनली हम दूसरी साइड भी आ चुके हैं। अभी ना इस डोर में भाई डोर नॉब को हमने लगा दिया और सामने ये लीड रखी है इसके अंदर इस साइड से। तो भाई यहाँ से हमें केज की मिल चुकी है जिसके अंदर भाई जो ली है वो बंद है, वो भाई केज की हमें मिल चुकी है। बट यार काफ़ी गंदा सीन होने वाला है हमारे साथ क्योंकि आइसक्रीम अंकल ने हमें देख लिया है। अभी ना इनके मुँह पर ये फेंक के मारते हैं कि साइड से कुछ काम आ जाए, बट आइसक्रीम अंकल को कुछ नहीं हुआ। तो जो अपने की फेंकी थी उसको उठाते हैं साइड से, हम लोग उठा पाए यहाँ से। नहीं यार आइसक्रीम अंकल ने पकड़ लिया और हमारी बर्फ जमा दी। काफ़ी भाई गंदा सीन हो गया वहाँ पे, मैं भाई बाहर भी नहीं निकल सकता था और आइसक्रीम अंकल अंदर भी नहीं आ पा रहे थे, तो काफ़ी गंदा सीन हो गया हमारे साथ भाई। हमें उन्होंने स्टॉल में ला के कर दिया है बंद, यहाँ से हम लोग कैसे बाहर निकले हैं। तो यहाँ पर हमें एमरजेंसी डोर की मिल गई है, तो इस डोर की कहते हैं डोर बोल लोक सीधा बैठ के मछली की तरफ निकलते हैं। तो वहीं से हमारी जो केज की वो पड़ी हुई है, बस हमें केज की उठा के और वैन में आके बस वहाँ से निकलना है। कल वो घर से तो आ चुके हैं सिमेट्री पर दोबारा से, सामने वही जो डोर है दीवार है वो पड़ी हुई है, उठा के बस गाड़ी के अंदर ही बैठना है, जो वैन हमारी यहाँ पड़ी हुई है। और हम लोग यहाँ से अपनी जो फ्रेंड है उसको बचा सकते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं और जो हमारी फ्रेंड जिसकी गन थी वो भी हमने लॉक कर दिया है। अभी ना मैं तो गाड़ी की बाइक टूट गया हुआ, जो हमारी फ्रेंड थी वो नहीं टूट पाई, वो गाड़ी काफ़ी तेज चल रही थी और आइसक्रीम अंकल के साथ ही चली गई। हमने इतनी मेहनत करी हमारी फ्रेंड को, फिर भी नहीं बचा बाइक। और यहाँ पर जो माइक ने मुझे परफेक्ट लिया था वो भाई कार लिए वो भी यहीं पर, और माइक ने भाई इसमें कुछ लिख के भाई लिख के लिए रखा था और ये भाई नीचे गिर गया। तो भाई जिसका मैं तो एपिसोड कर लिया।